और खबरें अब विस्तार से। देश भले ही आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में आज भी मूलभूत सुविधाओं का टोटा ही दिखाई पड़ता है। ग्रामीणों और आम जनमानस को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं सरकार की फाइल में तो है, लेकिन हितग्राही के जेब से कोषों दूर है। ऐसे में सवाल है कि आखिर क्यों जमीनी स्तर पर सरकारी नुमाइंदे गरीबों के पैसों का बंदर बांट कर लेते हैं। ऐसा ही एक मामला अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत चलचानडीह और कोयलारी से सामने आया है, जहां पर साल 2016 से बन रहे शासकीय भवनों में से अभी तक छत मयसर नहीं हो पाई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अनूपपुर जिले में विकास की दरकार, अधूरी आस, आखिर कब होगा विकास? 2016 से बन रहे भवनों को अब तक नहीं मिली छत, पैसे के पुजारियों ने भर ली जेब, जनता मांग रही जवाब, आखिर कब होगा विकास? कार्यवाही होगी या होगी सिर्फ खानापूर्ति? देखिए एमकेएन न्यूज की खास रिपोर्ट। क्या मध्य प्रदेश रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का गढ़ बनता जा रहा है? इसका फैसला आपको करना है, क्योंकि आगामी दिनों में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला ऐसा है कि सालों बीत जाने के बाद भी छात्रावास और सामुदायिक भवन को छत तक मयसर नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश के शासकीय अधिकारियों ने सरकारी योजनाओं की बंदरबांट मचा रखी है। अनूपपुर जिले की पुष्पराजगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत चचांडीही और कोयलारी में बन रहे शासकीय भवनों को साल 2016 से आज तक छत नहीं मिल पाई है। इन दोनों पंचायतों में साल 2016 में 15 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन और छात्रावास भवन की स्वीकृति मिली थी और इन्हीं ग्राम पंचायतों को निर्माण एजेंसी द्वारा बनाया गया था, लेकिन आज तक इन भवनों का कार्य अधूरा पड़ा है। कोयलारी ग्राम में स्कूल जाने के लिए सड़क तक नहीं है। बीते वर्ष ग्रामीणों ने खुद श्रम दान कर सड़क बनाई थी, लेकिन वो सड़क भी बारिश के 4 महीने नहीं झेल पाई। बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी चचांडीह के दौरे पर आए थे। उस दौरान चचांडीह निवासी बैगा जनजाति की महिला ने भी भरे मंच से सामुदायिक भवन का मुद्दा उठाया था, लेकिन जिला मुख्यालय के अधिकारियों ने इसे अनसुना कर दिया। ऐसे में सवाल ये कि चचांडीह और कोयलारी पंचायतों के रहवासी कब तक अपनी बदहाली के आंसू बहाएंगे? जिम्मेदारों के कानों में कब तक आवाज पहुंचेगी? ये कह पाना मुश्किल है। बहरहाल जनता मांग रही है जवाब, आखिर कब होगा विकास? एक साल वोट नहीं दिया है कोई बस्ती के अंदर, भगवा इधर ही वोट के लिए दम रता रहे हैं, और जब हमारे यहाँ के समस्या कोई नहीं देख रहे हैं। नेता आते हैं तो क्या करते हैं? काहे के लिए आते हैं? देखने के लिए आदमी ला, का के लिए आए? हमारे यहाँ जो संकट है, तकलीफ है, वो नहीं देख रहे हैं। ये 2016 से जो है अतिरिक्त भवन बनवा रहे थे, जिसमें कि ये अधूरा छोड़ दिए हैं और ये पूरा भी नहीं हुआ है। टॉप लेवल तक वैसे ही पड़ा है एकदम से, और खराब गुणवत्ता टाइप के बनाया गया है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय चचांडी ग्राम है, वहाँ पर गए थे। इसकी लगभग 27-28 परिवार है वहाँ पर भेगा। इस गांव में एक आश्रम है बच्चों के लिए, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, स्कूल है माध्यमिक विद्यालय तक का, और एक अतिरिक्त कक्ष का भवन का एक इशू जरूर आया था, जो काफ़ी समय पहले स्वीकृत हुआ था 2013-14 में, और उसकी कुछ शिकायतें भी आई थी। वहाँ पर वो निर्माण कार्य कंप्लीट नहीं हुआ था, ट्राइबल डिपार्टमेंट का कुछ पैसा गया था सीधे पंचायत को, और उसमें उन लोगों ने काम नहीं किया था और वो रुका हुआ है वहाँ पर। हमारे संज्ञान में भी आया है और हमने इसमें विधिवत जांच करने के लिए इसमें निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसमें आप लोग गंदा पानी पीते हैं, और मैं ये जो हमारे बहने बोलना चाहते तो माइकें बंद कर देते हैं। ये स्थितियाँ ये बना करके रखे हैं, और ये नहीं चाहते कि जनजाति समाज के लोगों का विकास हो, ये मुख्य धारा पर जुड़ सके। आज भी वो चाहते हैं कि लंगोटी लगा लें, वो यहाँ फोटो खींचे और बाहर ले जाके दिखाएं कि जनजाति लोग ऐसे जीवन जी रहे हैं।